नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। आज विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया था। लोग लगातार मतदान करने पहुंचे। इसी कड़ी में मानकपुर के आदर्श इंटर कॉलेज में बूथ पर कोरोना के खतरे को देखते हुए कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई, जिसमें मतदान करने आए लोगों को मास्क और ग्लव्स दिए जा रहे थे। तो वहीं आदर्श बूथ में मतदान सहायता केंद्र भी बनाया गया था, जहां पर मतदान करने आए मतदाताओं को मतदाता लिस्ट में नाम होने पर उन्हें मतदाता पर्ची उपलब्ध कराई जा रही थी, जिससे कि मतदाता आसानी से अपने मत का प्रयोग कर सकें और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से मुस्तैद दिखाई दिया। भैया कितना अच्छा लग रहा है, आप यहाँ पर वोट डालने आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बाल्मीकि नगर पूर्वी से आई एम सचिन कुमार, मेरा नाम है। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, सुबह 5:30 बजे उठ करके लाइन में लगा हुआ फर्स्ट वोट। भैया कितना अच्छा लग रहा है, आप यहाँ पर वोट डालने आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बाल्मीकि नगर पूर्वी से आई एम सचिन कुमार, मेरा नाम है। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, सुबह 5:30 बजे उठ करके लाइन में लगा हुआ फर्स्ट। अगली खबर चित्रकूट के मानिकपुर से है। मानिकपुर के गांव छोटी पाटिन के गांव वालों ने आज मतदान का बहिष्कार किया, जिसके चलते प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी ने गांव वालों को समझा बुझाकर उन्हें मतदान के लिए राजी किया, जिसके बाद आज यहां पहला वोट सुबह 8:05 पे डाला गया। अब हम आपको बता दें कि गाँव वालों ने चुनाव बहिष्कार क्यों किया। दरअसल गांव में 25 जनवरी को मारकुंडी थाना पुलिस ने ग्रामीणों के साथ बदसलूकी की थी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था और वहीं लामबद्ध ग्रामीण न्याय की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वोट नहीं डालेंगे। यहां पर मतदान लेट हुआ, जानकारी ये मिली कुछ गाँव में आपकी बात कारण जो है तो जो है मतदान करने मना किया, लेकिन फिर एस डी एम साहब आए और तमाम सम्भ्रांत लोग आए, कहे मतदान के लिए, सब मान गया मतदान के लिए। शुभ नाम सत्येंद्र सिंह। किस पोस्ट में? मैं शायद पहला वोट कितने बजे? 8:05 पीटीसी अधिकारी है ना यहाँ? जी ये क्या है कि पुलिस द्वारा जो है 25/1/2022 को रात 12:30 बजे से 3 बजे तक हमारे घर में जो है 3 सेट दरवाजे तोड़ करके और महिलाओं के साथ अभद्रता की, मारपीट की और महिलाओं को निर्वस्त करने की कोशिश की और इसके बाद जो है कि महिलाओं को थाने ले गए। इस घटना के विरोध में जो है हम लोगों ने ये चुनाव का बहिष्कार किया। कहाँ की पुलिस ने किया था ये? थाना मारकुंडी के यशो जो है थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने किया था। कौन सा गांव है जो थाना ये पूरा बहिष्कार किया हुआ है पूरा? ये छोटी पाटिन बड़ी पाटिन दो गांव हैं। लगभग तो कितने मतदाता होंगे यहाँ? कितने मतदाता होंगे? लगभग 400-500 मतदाता हैं। तो वोटिंग तो चालू हो गई है क्या? फिर क्या कारण था वोटिंग फिर से चालू करने की? क्या भाई बड़े अधिकारी सीओ जो है एसपी चित्रकूट द्वारा जो है स्पेशल तौर पर भेजा गया था हर्ष तिवारी, और तो उन्होंने आश्वासन दिया कि एसपी मेरे को स्पेशल तौर पर भेजे हैं और मैं भी ब्राह्मण हूँ और आप लोगों को लिखित में जो आपके ऊपर फर्जी मुकदमे हैं उनको वापस किया जाएगा और जो ये दोषी थानाध्यक्ष मारकुंडी है उसके खिलाफ जो है तो सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होगी, क्योंकि हम अभी चुनाव आयोग के अंडर में बसे बंधे हुए हैं, इस बेस पर कार्रवाई नहीं हो रही। कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था आप लोगों पर? ये मुकदमा 7 लोगों के ऊपर दर्ज किया गया है। आपका नाम? मेरा नाम देव नारायण पांडे एडवोकेट है। कौन सा? यात्रियों के सफ़र को बेहतर और सुगम बनाने के लिए रोडवेज विभाग की ओर से एक बार फिर ऑनलाइन टिकट बुकिंग योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के माध्यम से यात्री घर बैठे ही रोडवेज की बसों में अपना टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए यात्रियों को रोडवेज विभाग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्मल पूरी करनी होगी, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन बुकिंग में लंबी दूरी की बसों में ये सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन बुकिंग में पिंक बस,
स्लीपर कोच, एसी जनरथ, वॉल्वो, स्कैनिया, शताब्दी जैसी बसों के यात्री ऑनलाइन बुकिंग का लाभ ले सकेंगे। आजकल देश भर में ऑनलाइन सेवाओं का बड़ा प्रचलन है और इनकी जो सुविधा है उसका लोग लाभ उठाते हैं। परिवहन निगम में भी ये सुविधा थी, अब इस सिस्टम को नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है एवं कल इसको पब्लिक डोमेन में डाला गया है। इसमें ये सुविधा है कि व्यक्ति अपने घर पर मोबाइल के माध्यम से टिकट प्राप्त कर सकता है जिसमें सीट नंबर भी मिलती है, तो जो किराया चुकाने के समय छुट्टे पैसे आदि की दिक्कत आती है वह नहीं आएगी। टिकट खरीदने के लिए प्रयास नहीं करना होगा एवं सीट सुनिश्चित मिलेगी। ये यात्रियों को सुविधा है और पेमेंट जो है वो भी ऑनलाइन हो जाता है। जो लंबी सेवाएं हैं, जो प्रतिष्ठित सेवाएं हैं, वातानुकूलित बसें हैं, उनमें प्रायः 80% सीटें इस माध्यम से बुक हो जाती हैं। तो इसको अब नए सिरे से बहुत ही सुगम डिज़ाइनिंग होने की वजह से इसके लोकप्रिय होने के बहुत अच्छी प्रत्याशाएं हैं। इसके लिए ऐप रखनी होगी और जो हमारी वेबसाइट है उसमें पहले से प्रचलित था उस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग का खोलना होगा और वहाँ पर एक एक क्रम से जो क्रियाएं निर्धारित हैं उनके हिसाब से उनको प्रयोग करके टिकट जनरेट हो जाएगा। और वो टिकट कागज़ की फॉर्म में नहीं होगा, अपितु मोबाइल में वो सेव हो जाएगा और वही दिखाना होगा प्रचालक को। कितने समय पहले यात्री अपनी टिकट को बुक कर सकते हो, कितने समय पहले तक वो मान लो 30 दिन की समय सीमा रखी गई है, 30 दिन पहले बुक करा सकते हैं सभी लोग। इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है। सर, यात्रियों को चलो काफी परेशानी है, चुनावी ड्यूटी में बसें लगी हुई, तो कब तक वापस आ रही है, क्या होगी। महाराजगंज में शनिवार को बदलापुर विधानसभा प्रत्याशी रमेश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसका शुभारंभ वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ फीता काट कर किया गया। इस दौरान लखीमपुर खीरी के प्रवासी विधायक आनंद गिरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी को मिला है और बिना किसी भेदभाव के योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास निरंतर हो रहा है। जम्मू कश्मीर के सूरनकोट में पीएचआई कर्मचारियों के द्वारा काम छोड़ हड़ताल के 3 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। काम छोड़ हड़ताल पीएचई कर्मचारियों ने 72 घंटे के लिए रखी थी, अब वो पूरी ही हो चुकी है, लेकिन एलजी सरकार के द्वारा कोई पहल ना करने की वजह से पीएचई कर्मचारियों ने हड़ताल को 48 घंटे के लिए और बढ़ा दिया है तो हम 48 घंटे के लिए इस काल को और बढ़ा रहे हैं। अगर हमारा मसला हल नहीं होगा तो ये 48 घंटे से और ज्यादा बढ़ सकती है। अभी इतनी बारिश है कि आप इसी बारिश में भी बैठे रहोगे यहाँ पे? इसी बारिश में आप देख रहे हैं, बर्फबारी भी हो रही है, बारिश भी है, कोई दरी नहीं है, हम इसी तरह हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारी तरफ कोई हमें खाली बंधुआ मजदूर बनाया हुआ है, खाली हमसे काम लिया जाता है लेकिन हमें उजरत जो है वो नहीं दी जाती है। लिहाजा हम गवर्नर इंतजामिया से ये अपील करते हैं कि बराए करम हमारी आवाज़ को सुना जाए और हमारे जायज़ मतालबा जो है उनको पूरा किया जाए। क्या आपके पास कोई सियासी लीडर? सर, इस वक्त तक हमारे पास सियासी लीडर कोई नहीं आया, इन्होंने हमें खाली वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। सियासी लीडर जो है वो अंधे और बहरे होकर बैठे हुए, इनके घरों में पानी हम ही देते हैं, पानी हम चलाते हैं, लेकिन इस वक्त खामोश हैं। लेकिन जब इलेक्शन का वक्त होगा उस वक्त ये भीख मांगने के लिए आएंगे, लेकिन इस बार हमने भी ठान लिया टेलीविजनों ने कि इन लोगों को सबक सिखा कर छोड़ेंगे, हम इस वक्तन जो है वो गवर्नमेंट इंतजामिया तक पहुँचाते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि गवर्नर इंतजामिया जो है उससे को कोई टस से मस नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हमने कॉल की थी ये स्ट्राइक पानी बंद की तो हमें ये यकीन था कि एक ही दिन में जो है
वो गवर्नर इंतजामिया हमारे मसले को सुनेंगी और हमारे मसले हल होंगे, लेकिन आज तीसरा दिन है, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी। जौलान में अंतर्राज्यीय चोरों ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। पावर ग्रिड के 5 कंडक्टेड ड्रम को ही चुरा लिया। 22 फरवरी को इस चोरी की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस टीम लगातार छानबीन करने में जुट गई थी। फिलहाल इस बड़ी चोरी को अंजाम देने वाले 9 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ये चोर बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम देते थे। चोरी में बरामद सामान की कीमत लगभग 37 लाख रुपए बताई जा रही है। देखिए, ये 22 तारीख को ये FIR थाना डपोर में पंजीकृत की गई थी। ये माल जो है कंडक्टर के ड्रम्स हैं, जो कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के की प्रॉपर्टी है और इसमें उनके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया जा रहा है उसके तहत ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये 5 कंडक्टर ड्रम्स की चोरी हुई थी उस दिन, और ये जो अपराधी पकड़े गए हैं, कुल 9 अपराधी पकड़े गए हैं। इनके पास से 5 ड्रम कंडक्टर ड्रम्स बरामद किए गए हैं, 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं, उसके साथ ही साथ तमंचे और जो है असलहे बरामद किए गए हैं, चाकू बरामद किया गया है। और ये जो है एक अंतर्राज्यीय गैंग है, ये इसमें मूलतः सभी निवासी अलवर के हैं, एक व्यक्ति दिल्ली का भी रहने वाला है, और ये काफ़ी बड़ी स्तर पर चोरियाँ करते हैं और चोरी लूटपाट डकैती करना इनका आम पेशा है। और इस तरह से इनकी गिरफ्तारी की गई है, इनके कब्जे से 100% माल की बरामदगी की गई है, और इनके द्वारा जो अपराध किया गया है इनको डकैती की धाराओं में इनको जेल भेजा जा रहा है और इस तरह से अग्रिम की कार्रवाई की जा रही है। जो पकड़ा गया है, क्या वैल्यू आपकी जाएगी? देखिए, इसका जो वैल्यू कम से कम 37 लाख रुपया बता रहे हैं। इसके वैल्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें ये चीज़ है कि क्रिटिकल ये कामों में लगता है और इसको जल्दी से तुरंत खरीदा बेचा नहीं जा सकता है। जैसा कि हमारी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अधिकारियों से वार्ता हुई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि इनके द्वारा कुछ क्रिटिकल ऑपरेशंस प्लान किए गए थे निकट भविष्य में ही, और अगर ये सामान बरामद नहीं होता तो उनका ऑपरेशन डिले हो जाता और 4-5 महीने डिले हो जाता है। इसको खरीदने में, उनको प्रोक्योर करने में काफ़ी समय लगता है, तो उस हिसाब से ये काफ़ी क्रिटिकल था। ये सिर्फ वैल्यू के हिसाब से ही नहीं, इसके प्रोक्योरमेंट के हिसाब से जो दिक्कतें परेशानियाँ पावर ग्रिड को झेलनी पड़ती उसके हिसाब से ये काफ़ी क्रिटिकल था इसकी बरामदगी। और इस तरह से 72 घंटे के अंदर में जो हमारी सर्विलांस और SOG की टीम ने बरामदगी की है, काफ़ी अच्छा गुड वर्क किया इसके लिए उन्हें। AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने जनपद बलरामपुर के विधानसभा उतरौला में AIMIM पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अब्दुल मन्नान के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल हमें BJP की बी टीम बताते हैं। 2017 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, तब BJP भारी बहुमत से सत्ता में कैसे आई? ओवैसी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा कि विरासत में मिली राजनीति की फसल काटने वाले जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में RTO मोनिका बागड़े ने पन्ना मोड़ स्थित चौराहे पर चेकिंग अभियान शुरू किया। इस चेकिंग अभियान में लगभग 50 बसों की चेकिंग की गई, जिसमें 40 बसों की फिटनेस ठीक ना होने के कारण उनसे जुर्माना भी लगाया गया। इस चेकिंग अभियान में 1,40,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। मैडम, आज जाँच चल रही है, थोड़ा सा उसके विषय में थोड़ा बताइए। आज जो यात्री वाहन है अवैध रूप से अगर संचालित हो रहे हैं तो उनकी जांच हम देखें, कौन से वाहन बिना परमिट के टैक्स बताए हुए चल रहे हैं, तो उसके तहत हमने SP महोदय और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ये कार्रवाई की जी। और उसमें हमने लगभग 40 बसें चेक की जी मैडम। उसमें कुछ वर्दी न पाए जाने पर उनके चालान बनाए गए। एक बस उसमें 1,19,000 रुपये टैक्स बताया था जी, हमने यहीं पर मौके पर ही उसको जब्त करके थैंक यू मैडम। शुभ नाम मैडम जी, थैंक यू। आज ये चलान की कार्रवाई हो रही है मैडम, अभी RTO मैडम ने भी संदर्भ में बताया है, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी
जी जी थैंक यू। शुभ नाम मैडम। जनपद मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा क्षेत्र के नेशनल हाईवे ओवर ब्रिज पर इंडियन गैस का कैप्सूल अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से जा टकराया, जिससे पुल की रेलिंग टूटने के कारण पुल के नीचे जा रहे राहगीरों को चोट लग गई। घायलों को उपचार के लिए महावीर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसमें घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में नगला सिशिया गांव के दबंग प्रधान और भूमाफियाओं के द्वारा स्कूल की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। पीड़ित परिवार ने ये जमीन स्कूल बनवाने के लिए खरीदी थी। पीड़ित परिवार ने ये आरोप लगाया है कि दबंग 10 लाख रुपए की मांग करते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हम लगातार थाने का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। तो आइए देखते हैं कि पीड़ित परिवार क्या कुछ बताता है। पद्मा जी, एसएसपी साहब के कराने पाए हैं, क्या वजह है? सर, कुछ गुंडे हमें परेशान कर रहे हैं, जबरदस्ती हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। जी, किस बात के मांग रहे हैं? पता नहीं, होना चाहिए, गुंडेगर्दी दिखा रहे हैं अपनी। सरकार तो ये वादा करती थी कि जो है इस तरीके से रंगदारी नहीं वसूली जाएगी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, क्या कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हमारी बाउंड्री वगैरह भी तोड़ दी है, तोड़ फोड़ करके वहाँ से सामान भी भर ले गए हैं। जी, कितने बीघा जमीन है आपकी? 25। किस लिए? कॉलेज के लिए जमीन खरीदी थी। इसमें पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है? नहीं, कोई ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं। किस क्षेत्र का मामला है? दोनों के बॉर्डर पर पड़ता है, सिटी और देहात दोनों के। अभी क्या शोषण दिया था अपना साहब ने? आप आज मुलाकात नहीं हो पाई है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तेज कुमार है। क्या वजह है आप एसएसपी कार्यालय आए हुए हैं, क्या मामला है? 27/12/2021 को हमने एक जमीन स्कूल के लिए परचेज की थी यहाँ से। जी, साफ सुथरी जमीन है, एक तना खाता है कोई व्यक्ति, उसमें दंगा फसाद नहीं था। जी, तो यहाँ के कुछ गुंडे माफिया लगातार 27/12 से परेशान कर रहे हैं। पिछले 5 फरवरी से, जब से जिले पर फोर्स नहीं है, तब से बराबर धमकी दे रहे थे कि तुम्हारा सब सामान बदल लेंगे, 10 लाख रुपए दो। जी, जिसकी सूचना हमने महोदय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, 10 लाख किस बात के मांगे जा रहे थे? केवल रंगदारी, बोले यहाँ आए हो बराई से चल के आए और जान से मार दिए जाओ। हम लोग जमीन पर जमीन का बेचने का काम करते थे, बोलो बोले हमारा यहाँ का कोई भी जमीन खरीदेगा तो वो टैक्स बनता है। ये कौन लोग हैं? वो ये यादव लोग हैं सर, यहीं के उर्वेश यादव प्रधान है, दबंग है, वो कई बार प्रधान रहा है। जी, और उसने कई जमीनों पर कब्जे भी किए हैं, उसके खिलाफ मुकदमे, छेड़छाड़, बलात्कार, ऐसे कई मुकदमे भी हैं। आपने भी कोई मुकदमा लिखा है? मैंने मुकदमा लिखा है, साहब ने आदेश किया था, उसमें मुकदमा अपन साहब ने क्या मुकदमा लिखा है उसमें, लेकिन आज तक पुलिस नहीं गई है, बिल्कुल एक भी पुलिस कर्मी आज तक नहीं गए, ना कोई वो बहाना बना देते हैं। कब्जा कर रहा, क्या कर रहा है क्या? नहीं, वो केवल उसको हमारी बाउंड्री को तोड़ के सभी सामान जितना वो ले जाता है, 2-3 बार में लगातार सामान सब ले गए। रात 11 बजे 2 ट्रैक्टर लगाकर पूरा सामान भर लिया, 100 नंबर हमने बुलाया तो 100 नंबर के सामने वो ट्रैक्टर लेके चले। इन दिनों रीवा शहर अपराधियों का गढ़ बनता दिखाई दे रहा है, ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पूर्व भी कई ऐसे मामले आए हैं। ये समान थाना क्षेत्र का मामला है, जिस पर पीड़ित के आवेदन के बाद भी फायर करने वाले व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि पीड़ित थाना प्रभारी से न्याय की उम्मीद छोड़ एसपी रीवा से गुहार लगाने के लिए पहुंचा, लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कहीं थाना प्रभारी ऐसे अपराधियों को संरक्षण तो नहीं दे रहे। एक तरफ पुलिस कप्तान थानों में जाकर जनसंवाद करते हैं, लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी थाना प्रभारी हैं जिन पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है। हालांकि एसपी के द्वारा जांच के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन थाना प्रभारी पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये ऐसे ही उनके थाना क्षेत्र में दबंग अपनी दबंगई दिखाते रहेंगे। बुधवार शाम सिंगनपुर 4 रास्ता के पास एक व्यवसायिक परिसर में आग लग गई। इस अग्निकांड में 20 छात्रों सहित 22 लोगों को बचाए जाने के बाद नगर निगम ने इमारत की वैधता की जांच की। प्रारंभिक जांच के दौरान भवन की छत पर शीट शेड में बने गुंबद को अवैध बताकर ध्वस्त कर दिया गया। बिना फायर एनओसी के स्कूल में
आग लगने सहित कोई भी घटना होने पर प्रशासन और प्राचार्य जिम्मेदार होंगे। ये आदेश सर्कुलर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से स्कूलों को जारी किया गया है। हाईकोर्ट के मुताबिक 9 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई और 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा एरिया वाले स्कूलों को फायर एनओसी लेना ज़रूरी है। स्कूलों की फायर एनओसी तुरंत जांचने के निर्देश दिए गए। यूक्रेन और रूस के युद्ध में सूरत के 100 छात्र फंसे हुए हैं। ऐसे में छात्रों के अभिभावकों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से सिफारिश की है कि उनके बच्चों को सुरक्षित वहां से निकाला जाए। सीआर पाटिल ने वीडियो कॉल के जरिए यूक्रेन में फंसे छात्रों से बात की। यूक्रेन में फंसे छात्रों के माता पिता को आश्वासन देते हुए कहा कि हमारी सरकार सभी छात्रों को वापस लाने की कोशिश कर रही है, जल्द ही सभी छात्र वापस लाए जाएंगे। टांडा के हीरापुर बाजार में आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार बीजेपी की हार होगी और उत्तर प्रदेश से योगी बाबा की विदाई होगी और तब बाबा उत्तराखंड जाएंगे। मेरे लड़ने से अब की बार औकात पता चल जाएगी। चंद्रशेखर रावण ने आज़ाद समाज पार्टी से टांडा विधानसभा से प्रत्याशी सगीर राणा के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की। आज टांडा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक के चेयरमैन और मशहूर शायर इमरान प्रताप गढ़ी ने कांग्रेसियों में एक नया जोश भरा और एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सपा बसपा भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि अब जनता भाजपा की जात पात और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति से ऊब चुकी है और अब जनता विकास और रोजगार चाहती है, जो कि कांग्रेसी ही कर सकते हैं। अब जनता कांग्रेस की तरफ देखने लगी है। अब धर्म की राजनीति को जवाब देने का समय आ गया है और इस बार जनता जवाब देगी। वहीं उन्होंने टांडा विधानसभा प्रत्याशी सैयद मिराजुद्दीन के पक्ष में वोट करने की अपील की और कहा कि अब समय आ गया है बदलाव का और जनता को ही ये बदलाव करना है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। नगर के राहत जनता इंटर कॉलेज के बूथ संख्या 184 और 185 की पोलिंग पार्टी पर ईवीएम मशीन न ऑन करने का आरोप लगाया गया। कई मतदाता बिना बीप और वीवीपैड के भी पर्ची के बिना ही वापस हुए। आपको बता दें कि किला मोहल्ले के सभासद जमाल अहमद ने पोलिंग पार्टी पर ये आरोप लगाए। क्या नाम है आपका? जमाल हामिद, सभासद हैं। बूथ संख्या 184 और 185 पे जो भी वहाँ पोलिंग बूथ पे बैठे हुए हैं कर्मचारी, वो मशीन नहीं ऑन करते, जिससे लोगों के वोट, यहाँ कई शिकायतें मिली हैं, उनको शिकायत दर्ज भी कराई गई है, फिर भी अभी जो है वो लोग मशीन जो है, जिसे बहुत से अनपढ़ हैं जानने वाले नहीं, बटन दबाए और कह दिया कि जाइए आप वोट। आपने की शिकायत किसी प्रशासनिक अधिकारी से जो है हमने ऊपर किया, SDM साहब को इन्फॉर्मेशन दिया है इसकी,